प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनुपम स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर जो 6 का न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में 17 क्वेश्चन तक, उसी का हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेसन नंबर 6 के न्यूमेरिकल जो 18 नंबर क्वेश्चन से करना था। तो देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है, सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है एल्कोहल, इथर, जल, पादर, जो आपको ऑप्शन दिया है। तो इसमें से जो पादर है, पारद, ये क्या होता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, सुचालक। और हम लोगों ने एक पारद थर्मामीटर के भी बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये इसी के नाम पे, जैसे ये बहुत सुचालक होता है तो इसी के नाम पे एक पारद थर्मामीटर भी हम लोग पढ़े हैं, तापमापी है जो कि एक। ठीक है, तो ये जो होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। चलिए 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है कि वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है। भाई गर्मी कहाँ से आती है, सही बात है भाई, गर्मी के मौसम में गर्मी कहाँ से आती है, तो सबको पता है कहाँ से आती है, सूर्य से आती है, सूर्य के ताप से आती है। अब ये मत समझिएगा कि जो सूर्य का ताप है वहाँ से विकिरण के माध्यम से यहाँ पे गर्मी आती है तो विकिरण होगा, लेकिन मेन उसका रीज़न क्या है, सूर्य का ताप ही तो है ना। तो मेन रीज़न को, मेल मूल को पकड़िए कि भाई वो कहाँ से गर्मी आ रही है, तो सूर्य से आ रही है। किस माध्यम से आ रही है, तो विकिरण माध्यम से आ रही है। ठीक है, तो आप लोग विकिरण को मत मारिएगा, जो आपका मेन जड़ ही दे दिया है सूर्य ताप के कारण, तो वहाँ पर मारिए, सूर्य ताप के कारण आता है। ठीक है, गर्मी होती है हमारे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है। तो भाई ये तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग पॉलिटेक्निक का वीडियो देखिए। क्या देखिए, पॉलिटेक्निक का वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें बताया गया है अच्छे से। तो जो ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, अवशोषक होता है, वो क्या होता है, उतना ही अच्छा ऊष्मा का क्या करते हैं, उत्सर्जक भी करता है, उतना ही ज़्यादा उत्सर्जक भी करता है, यानी अच्छा अवशोषक जो होते हैं अच्छा उत्सर्जक होते हैं ऊष्मा के। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अच्छा प्रवर्तक, पूर्वानुमान संभव नहीं, अच्छा विकारक, बुरा विकारक। तो जो अच्छा विकिरक का लिखा है, विकिरक होते हैं, अच्छा विकिरक मतलब वही उत्सर्जक होते हैं, क्या होते हैं, उत्सर्जक होते हैं। ठीक है, जो जितना अच्छा अवशोषक होता है वह उतना ही अच्छा विकिरक होता है। जैसे कहते हैं ना, वो जितना अच्छा होता है, जो लोग जितने अच्छे होते हैं वो उतने ही क्या होते हैं, बुरे भी होते हैं। ठीक है, तो जो जितना अच्छा अवशोषक होगा वो उतना ही अच्छा विकिरक भी होगा, अच्छा उत्सर्जक भी होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 20 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे किसमें संवहन होता है, संवहन किसमें होता है, संवहन मैंने बताया था कि इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतर होता है उस कण द्वारा भी होता है, यानी कण के स्थानांतरण के कारण ही ऊष्मा का स्थानांतर होता है। तो किसमें होता है ऐसा, केवल ठोस और द्रवों में, केवल द्रव और गैसों में, केवल गैसों और ठोसों में, ठोसों द्रव व गैसों में। तो केवल वो गैस व ठोसों में, अरे सॉरी, गैस व द्रव में होता है, या अर्थात द्रव और गैसों में ही क्या होता है, संवहन होता है। आपको बताया भी गया था संवहन पढ़ाते समय। तो किसमें होता है, तो गैस में होता है संवहन, और कहाँ होता है, द्रव में होता है। इसी के जो कण हैं इनके स्थानांतरण के कारण ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 21 का, 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। बात समझ में आई है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि सॉरी 21 पे से 22 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषक करता है तब वह होगा। तो भाई जो अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा उत्सर्जक होता है, लेकिन इसमें उसकी प्रकृति पूछा है कि कैसा होता है, तो वो काला होता है, जो काले पृष्ठ होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, और उसके साथ साथ अगर खुरदरे भी हैं, ठीक है, खुरदरे भी हैं, तब क्या होंगे, वो
और अच्छा अवशोषक हो जाएंगे। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, काला और खुरदरा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा 22 का। ठीक है, जो अवशोषक की प्रकृति होती है, काले पृष्ठ अधिक अवशोषक करते हैं उष्मा का, और वो खुरदरा हो तो और अधिक अवशोषक करते हैं। तो जो अच्छे अवशोषक होते हैं उनका जो नेचर होता है कि वो काला और खुरदरे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हुआ 22 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि काले रंग के मुकाबले श्वेत रंग के वस्त्र शीतल होते हैं, क्यों? क्योंकि भाई काले रंग क्या करते हैं, उष्मा का अवशोषक करते हैं। यहीं पे देखिए, काला जो होता है उष्मा अधिक अवशोषित करता है, इसलिए वो गर्म होता है थोड़ा, मतलब उसमें उतना शीतलता नहीं होती है। लेकिन जो सफेद वस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं कि जब उनके पास उष्मा आती है तो उसमें से क्या करते हैं, उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, इस कारण वो क्या होते हैं, शीतल होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ये कह रहा है कि अपने निकट पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, तो भाई अवशोषित कर लेते तो शीतल होंगे नहीं, परिवर्तित कर देंगे। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, उनके निकट जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होते हैं, शीतल होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। बात समझ में आई है, इतना नोट करिए, फिर देखते हैं आगे और जो क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर से देखना है ना, देखते हैं 24 से। कह रहा है कि खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी तथा बेकेलाइट का हैंडल लगा देते हैं, क्योंकि भाई सबको पता है क्यों हैंडल लगाते हैं, ताकि भाई उष्मा का संचरण स्थानांतरण होता है वो हैंडल तक ना हो जाए। हैंडल तक होगा तो ऐसे पकड़ेंगे, लोहे का हैंडल होगा तो ऐसे पकड़ेंगे तो भाई हमको गर्म जल जाएगा हाथ। तो उसमें लकड़ी या बेकेलाइट का क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो उष्मा के अच्छे सुचालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं, जिसमें उसमें उष्मा आती नहीं है, और उसको पकड़ के आराम से हम आग पे रखेंगे तो उस पे अगर पकड़े भी हैंडल को तो हमारा हाथ नहीं जलेगा। तो वो क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी अच्छे सुचालक नहीं होते। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, लकड़ी और बेकेलाइट उष्मा के खराब चालक होते हैं, खराब चालक होते हैं भाई, इसलिए उसमें उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहे पहाड़ों पर जल कम ताप पर उबलता है, क्योंकि जब पहाड़ पे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है तो कम टेम्परेचर पे ही जल क्या होता है, उबलने लगता है। तो क्यों होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो आपका क्वथनांक होता है वो घट जाता है, जिसे कम ताप पे ही क्या होते हैं, जल उबलने लगते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है आपका वायुमंडलीय दाब अर्थात दाब क्या होता है, कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, इस कारण जो क्वथनांक होता है वो भी कम हो जाता है, कम टेम्परेचर पे ही जल उबलने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भीषण सर्दी में, हाँ भीषण सर्दी में ठंडे देशों में जल की पाइपें फट जाती हैं, क्योंकि जल की पाइपें फट जाती हैं, क्यों भाई? तो ज्यादा भीषण ठंडी पड़ेगी, तो मान लीजिए पाइप है इसमें ऐसे जल बह रहा है, और जब ज्यादा भीषण ठंडी पड़ेगी तो ये जल जम के क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। और जब जल बर्फ में कन्वर्ट होता है तो जिस समय इसका आयतन है, जल के समय जो आयतन होता है, और जब बर्फ बनता है उस समय जो आयतन होता है वो क्या होता है, जल की अपेक्षा अधिक होता है, यानी इसका आयतन बढ़ जाता है, इस कारण क्या होती है, जो पाइपें होती हैं वो फट जाती हैं, क्या होती हैं, फट जाती हैं। ठीक है, तो किसके कारण, जल का जो आयतन होता है, जब वो जल बर्फ बनता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। तो आयतन बढ़ने के कारण ही पाइपें क्या होती हैं, क्रैक हो जाती हैं, फट जाती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 26 का, जमने पर जल फैलता है, जल की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, उपरोक्त सभी में से उपरोक्त प्रभाव के कारण, उपरोक्त सभी के संयुक्त प्रभाव के कारण, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो जल जमने पर क्या होता है, पाइपे जमने पर जो जल होता है वो फैल जाता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका।
ए आयतन बढ़ता है, जिसे जल का क्या होगा, वही फैलता है, जल जमने पर फैलता है, क्यों फैलता है, इसका आयतन बढ़ने लगता है। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो सबको पता है भाई किस प्रक्रिया द्वारा, तो विकिरण प्रक्रिया द्वारा। क्यों भाई, क्योंकि जो सूर्य है निर्वात में है, और निर्वात में वही किरणें गमन करती हैं जो विद्युत चुंबकीय होती हैं, और विकिरण जो होता है विद्युत चुंबकीय के रूप में चलता है। इस कारण जो सूर्य से ऊष्मा आती है पृथ्वी तक, वो किसके माध्यम से आती है, विकिरण के माध्यम से। ठीक है, आपका जो संवहन चालन होता है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उसके द्वारा तो आएगा नहीं। बच्चा तीसरा विकिरण, ये विद्युत चुंबकीय के रूप में चलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विकिरण के माध्यम द्वारा। देखिए आगे, 27 हो गया। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए कह रहा है, ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ऊन ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊन बाह्य पदार्थों से विकिरण ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं, उन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। तो आपका इनमें से कौन सा भाई रीजन सही है 28 में। तो ऊन जो, अरे जो ऊन होता है, कब हमें जब कपड़ा पहनते हैं तो हमें मतलब ठंडी के दिनों में गर्म कैसा क्यों लगता है, तो भाई जो हम लोग की जो शरीर की टेम्परेचर होती है भाई, ऐसे ही वायुमंडल का ताप कम होता है, हम लोग के जो शरीर का टेम्परेचर होता है मनुष्य का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ठंडी के मौसम में इससे भी कम हो जाते हैं, 25-29 ऐसे हो जाते हैं आपके टेम्परेचर। ठीक है, कम होते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है शरीर से ऊष्मा लेंगे, तो जब हम कपड़ा पहनते हैं तो ऊनी जो कपड़ा पहनते हैं हमारे शरीर से जो ऊष्मा निकलती है उसको निकलने नहीं देते हैं, इसलिए हमें क्या होता है थोड़ी गर्मी महसूस होती है। क्या होती है, गर्मी महसूस होती है, तो हमारी अंदर से ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के द्वारा जो ऊष्मा होती है उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊन ऊष्मा के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, इसी कारण वो हमारे ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, ऊष्मा को अंदर रोके रहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि दो रेल की पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है। तो देखिए भाई इसमें बहुत काटा है आपका, बताया है थोड़ा सा, यानी थ्योरी में थोड़ी सी एक्सप्लेन किया है, और लेकिन पूछ रहा है आगे तक, ब्रॉड में पूछ रहा है। तो क्यों छोड़ा जाता है भाई, जब रेल की पटरियां बनाई जाती है तो जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहां पे थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। और क्यों छोड़ा जाता है, कि जब गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये धातु की होती है, रेल की पटरियां जो बनती हैं वो धातु की होती हैं, तो इसमें क्या होता है, रेखीय प्रसार होता है। क्या होता है, रेखीय प्रसार होता है, तो इसलिए थोड़ा गैप छोड़ा जाता है, कि जब गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इनमें रेखीय प्रसार होगा वो इसको क्या करेगा, मैनेज कर लेगा। यहीं यदि नहीं इनमें जगह छोड़ा जाता, ठीक है, यहीं पे नहीं छोड़ा जाता इनमें जगह, जैसे यहीं पे ज्वाइंट को और जगह ना छोड़ा जाए, तो क्या होता, जब इनमें प्रसार होता तो ये क्या होती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, जिससे एक्सीडेंट होने की क्या होती है, संभावना बढ़ जाती। तो इसी कारण क्या क्या प्रयोजन है इसके बीच, कि जब रेखीय प्रसार होगा गर्मियों के दिनों में तो इसको मैनेज कर लेगा, इसलिए गैप छोड़ी जाती है। तो किसके कारण, तो रेखीय प्रसार के लिए, किसके लिए, रेखीय प्रसार के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि। पंखा ठंडी वायु देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, और डी कह रहा है कि दवा दवा की संवहनता बढ़ जाती है। तो भाई क्यों लगता है हमें, गर्मी के मौसम में जब पंखा हम लोग जैसे चलाते हैं तो हमें थोड़ा आराम महसूस होता है, क्यों, तो देखिए क्यों होता है, जैसे जैसे मान लीजिए हमें गर्मी हुई है, पसीना हुआ रहता है, तो जैसे ही हम लोग पंखा जैसे पंखा चलाते हैं या कोई भी जैसे जिसे हवा हमें लगे, तो उस समय क्या होता है कि जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो तेजी से वाष्पीकृत होता है। क्या होता है, तेजी से वाष्पीकृत होता है, यानी वाष्प में बदलने लगता है, जिसके कारण हमें थोड़ी ठंडी सी महसूस होती है, जिसे हमें आराम सा महसूस होता है। ठीक है, तो किसके कारण, जो हमारे पसीने होते हैं तेजी से क्या होने लगते हैं, वाष्पीकृत होने लगते हैं, वाष्प में बदलने लगते हैं,
तो इस कारण थोड़ा हमें गर्म मौसम में पंखा चलाने पे आराम महसूस होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 30 का? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट करिएगा इतना। फिर देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन बचे हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं उसको देखकर, और उसके बाद से पूरा लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 7 में। तो नोट करिए इतना। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेघाचन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है भाई? ठीक है, यानी जो मेघाचन रात की अपेक्षा निर्मल रात अच्छी ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? चालन, द्रवण, विकिरण, सूर्यताप, क्या कारण है इसका? तो जो विकिरण है वही कारण है कि मेघाचन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि जब बादल लगे होते हैं तो जो हमारी ऊष्मा होती है पृथ्वी की वह बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, जो विकिरण द्वारा ऊष्मा निकलेगी वो बाहर नहीं निकल पाती है, जो कि जब निर्मल जो रात होती है, स्वच्छ रात होती है, उसमें विकिरण आसानी से बाहर निकल जाती है, जिससे जो हमारा वायुमंडल है थोड़ा कम टेम्परेचर का हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इस कारण वो रातें क्या होती हैं? ठंडी होती है। तो किसके कारण? विकिरण के द्वारा। किसके कारण? विकिरण के द्वारा, क्योंकि भाई जो ऊष्मा होती है वो विकिरण के द्वारा ही आएगी जाएगी। ठीक है, तो किसके द्वारा? किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा होता है ऐसा। बात समझ में आई है? चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ जल से, गर्म जल से, भाप से, पिघली हुई बर्फ से। तो किससे होता है? भाप से, सबको पता है। आ क्यों होता है? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा जो होती है, गुप्त ऊष्मा वो क्या होती है? अधिक होती है, मैक्सिमम अधिक होती है, यानी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, इस कारण जो आप उबलते पानी में हाथ डाल देंगे तो जो जलेगा वो उसको सहन कर सकते हैं, लेकिन भाप से वहीं हाथ जल जाए तो वो सहन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा होती है, 540 किलो कैलोरी ऊष्मा होती है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो इस कारण होते हैं। तो किसके कारण? भाप के कारण। जो जल अधिक जलने की किससे पैदा होती है? भाप से। यानी आपसे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो भाप से होती है। किससे? क्यों? क्योंकि इसकी गुप्त ऊष्मा बहुत ही ज्यादा होती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा का मान किस में होता है? कांच में, तांबा में, शीशा में, जल में। तो इसको सबको पता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा होती है। तो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है? सबसे अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर करेक्ट करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है किसकी? जल की। वो भी कितना होती है? तो 4180 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, इतना होती है, बहुत ज्यादा है भाई। इतना क्लियर है? 33 नंबर डी आपका आंसर करेक्ट है, जल का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है अधिक होता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का 34 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका मिलान से है, तो क्या कह रहा है इसमें सही मेल करना है संवहन, विकिरण, चालन और ऊष्मा स्थानांतरण का, कि क्या कारण है इसका? यानी ए बी सी डी का 1 2 3 4 में मिलान करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, चलिए मिलान करते हैं। संवहन क्या होता है भाई? तो संवहन में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है कण का, मतलब कण के बिना स्थानांतरण हुए ही हो जाता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, यानी संवहन किससे मैच करेगा? ऊष्मा का संचरण करो के टक्करों द्वारा, एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण, पदार्थों के वास्तविक प्रवाह से ऊष्मा का स्थानांतरण, या विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊष्मा का संचरण। तो ना कि विद्युत चुंबकीय तरंगों तो विकिरण में होता है, अब पदार्थ के वास्तविक प्रवाह से ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होता है? संवहन में होता है। हमसे संवहन को ही मैच कराना है, तो किस में हो जाएगा संवहन? किस में चला जाएगा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर जाएगा। यानी इसमें जो कण है, मैंने चालन बता दिया ना, सॉरी, जो शुरू शुरू में संवहन जो होता है कणों के स्थानांतरण के द्वारा क्या होता है? ऊष्मा का संचरण होता है।
अचालन में बिना कण का स्थानांतरण हुए ही ऊष्मा का होता है क्या, स्थानांतरण। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ईंट को वहां तक ले जाने के लिए, कि एक बार एक ऐसे अकेले लेकर जाइए और एक बार कई लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा करा के हाथों हाथ दे सकते हैं, तो वैसे चालन में होता है और लेकर जाएंगे तो वो किस में होता है, संवहन में। तो एक इससे मैच किया तीन से। विकिरण, विकिरण किस में, किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में, तो कौन सा मैच हो जाएगा, बी फोर में चला जाएगा। और सी कह रहा है चालन, तो ऊष्मा का संचरण करो की टकरों द्वारा होता है, तो सी का किस में मैच करेगा, ए में। और डी और दो बचा, तो भाई ये तो इसमें जाकर नेसेसरी एक ही जाके उसी से मैच करेगा, यानी क्या मैच किया, ए जाके किससे मैच किया, थ्री से, बी किससे, फोर से, सी किससे, वन से, और डी किससे, टू से। तो ए थ्री बी फोर सी वन डी टू कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए फोर डी बी वन, ए ए थ्री बी फोर, ए थ्री बी फोर सी वन डी टू, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है आपसे, कौन सा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा इस लेसन का और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इसी के साथ ही लेसन समाप्त होता है और ये वीडियो भी समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में लेसन नंबर 7 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।